मौजूद है हम लोग वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी पर, जहाँ पे हमने सितंबर में एक्टिविटी की थी, किसी ग्रुप ने यहाँ पे वॉल चॉकिंग करी, जो कि बहुत एक बुरा मैसेज दे रही है। कराची में डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर आपने विजिट किया होगा, तो दीवारों का बड़ा गलत तरीक़ों से इस्तेमाल हो रहा था, वहाँ से मतलब डिफरेंट मैसेजेस कन्वेड हो रहे थे। बट CSR कम्स विद अ थिंकिंग कि हमें इस चीज़ को, इस स्टैंजा को, इस पैराडाइम को, इस सोच को बदलना है, और इस सोच को बदल कर हमें इन दीवारों की एक जो इसके ऊपर चीज़ें लिखी गई हैं, इसको बदल कर एक ऐसा मैसेज कन्वेट करना है कि जो हमारे आसपास के लोग हैं वो कुछ सीखें। काफ़ी अच्छा लगता है, जो छोटे बच्चे हैं उनको भी अच्छा लगता है, उनको कल्चर नज़र आता है कि बच्चों से पूछते हैं कि पापा से पूछते हैं पापा ये क्या है, तो उनको बताने में अच्छा लगता है, और वो आइडेंटिफिकेशन भी एक कराची की हाईलाइट भी होता है, और अदर देन कराची की बात करें तो वो भी चीज़ हाईलाइट होती है, तो उनको शौक होता है घूमने फिरने का, और इससे कराची एक अच्छा पिक्चर नज़र आता है। जब पहले ये दीवारें पेंट नहीं होती थी तब अच्छी नहीं लगती थी, अब ये दीवारें पेंट हो गई हैं तो हमें बहुत अच्छी लगती है। ताहिर है और मेरा नाम शफा। हमने माती टीवी के साथ एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसमें हम, जिसका टाइटल है पीस वॉल्स। हम अपनी डॉक्यूमेंट्री में कराची की उन दीवारों के बारे में बात करते हैं जिसके ज़रिए प्रोपेगेंडा फैलाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के इश्तारात दिखाए जाते हैं जो कि हमारी सिटी के कल्चर को सही से रिप्रेजेंट नहीं करते। हमने अपनी डॉक्यूमेंट्री में ये दिखाया कि इन बुरी दीवारों में जो बुरे मैसेजेस देती हैं, इनको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन आके कवर करती हैं, इनके ऊपर पेंटिंग बनाती हैं, उनके ऊपर म्यूरल्स बनाती हैं, और हमारे कराची का अच्छा एक पॉजिटिव इमेज जाता है जिससे हमारी डाइवर्सिटी और हमारा कल्चर हाईलाइट होता है।